जो स्टूडेंट है वो भी साथ दे रहे और बाकी जो गवर्नमेंट है आर्मी सभी साथ दे रहे ताकि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए। वो लोग बोल रहे कि जो स्टूडेंट है वही बाहर निकल आए, वही जो ट्रैफिक वगैरह वो संभाल रहा है और देख रहे हैं कि मतलब रोड भी क्लीन स्टूडेंट ही कर रहा है और सारे जो पार्लियामेंट वगैरह जो हालात हुआ था वो भी सब क्लीन स्टूडेंट ही कर रहा है। जो चीज़ है वो सब एक सेलिब्रेशन की तरह लोग ले रहे हैं क्योंकि जो पीएम हाउस है यहाँ पे जाना सबका सपना होता है, किसी ने नहीं जा पाता। तो स्टूडेंट जब गया, स्टूडेंट से ज़्यादा जो आसपास के लोग थे वो चीज़ें कुछ कुछ करके लेके आ रहा था। जो बांग्लादेश में इस वक्त परिस्थिति है, आपके परिवार जनों से क्या कुछ वहाँ की जानकारी मिल रही है? मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो जो गवर्नमेंट फिलहाल टेंशन की बात ही है। मैं कॉल कर रहा हूँ 1-2 घंटे बाद उन लोगों से बात हुआ। उन लोग बोल रहे हैं अभी सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, उन लोगों को कोई अभी तक तकलीफ नहीं हुआ है। ऐसे ही जो वहाँ पर परिस्थिति है उसकी वजह से कैसी समस्याएं खाने पीने को लेकर या अन्य जो समस्याएं हैं क्या है? हाँ, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तभी तो रोड वगैरह बंद था, तो जो सब्ज़ी वगैरह और जो सामान थे वो आ नहीं पा रहा था। फिलहाल जो स्टूडेंट है वो भी साथ दे रहे और बाकी जो गवर्नमेंट है आर्मी सभी साथ दे रहे ताकि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए जल्दी से। अभी चीज़ें वगैरह आ रहा है और प्राइस भी जो बढ़ गया था अभी थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप, जो आपका परिवार इस वक्त वहाँ पर है? हाँ, मैं परिवार से बात किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वही बाहर निकल आए, वही जो ट्रैफिक वगैरह वो संभाल रहा है और देख रहे हैं कि मतलब रोड भी क्लीन स्टूडेंट ही कर रहा है और सारे जो पार्लियामेंट वगैरह जो हालात हुआ था वो भी सब क्लीन स्टूडेंट ही कर रहा है। मैं घर से बात कर रहा हूँ अभी 1-2 घंटे बाद बात कर रहा हूँ। बोल रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उन लोगों को। पार्लियामेंट में जिस तरीके से लोग घुसे, सामान लेकर गए, आपके कुछ लोग भी क्या वहाँ शामिल थे और क्या कुछ जानकारी मिली है? हाँ, मेरा फ्रेंड लोग भी वहाँ पे था, वो लोग भी स्टूडेंट था, प्रोटेस्ट में शामिल था। मैं उन लोगों से बात किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो चीज़ है वो सब एक सेलिब्रेशन की तरह लोग ले रहे हैं क्योंकि जो पीएम हाउस है यहाँ पे जाना सबका सपना होता है, किसी ने नहीं जा पाता। तो स्टूडेंट जब गया, स्टूडेंट से ज़्यादा जो आसपास के लोग थे वो चीज़ें कुछ कुछ करके लेके आ रहा था, लेकिन फिर स्टूडेंट ने सब एक साथ मिल के लगभग 80-90% वहाँ पे सब वापस ले आया। और मैं एक न्यूज़ और भी देखा है कि पीएम हाउस से 75 लाख का एक लोग लेके भाग रहा था, स्टूडेंट ने उसे पकड़ा है और आर्मी के हाथ में वो पैसा दे दिया है।